वित्तीय वर्ष समाप्ति को लेकर यातायात पुलिस पिछले कई दिनों से चालान की जबरी कार्रवाई कर रही है। यातायात पुलिस के जवानों द्वारा विभिन्न सर्किल मुख्य मार्गों के साथ नेहरू नगर ओवरब्रिज के पास प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट और रॉन्ग साइड से वाहन चला रहे वाहन चालकों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की जा रही है। बाड़मेर यातायात पुलिस द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति को लेकर इस मार्च माह में विशेष अभियान चला जा रहा है। यातायात नियमों की पालना करवाने को लेकर शुक्रवार को भी कार्रवाई का दौर जारी रहा। यातायात पुलिस के जवानों ने अहिंसा सर्किल सहित विभिन्न मुख्य मार्गों पर मोर्चा संभाले हुए बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट के वाहन चला रहे वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। वही चालान की कार्रवाई के चलते कई वाहन चालक यू टर्न लेकर भागते नजर आए। दरअसल बाड़मेर यातायात पुलिस इन दिनों एक्शन में नजर आ रही है। यातायात पुलिस ने शहीद सर्किल और ब्रिज के पास अहिंसा सर्किल, सिटी कोतवाली के आगे सहित कई जगहों पर चालान की कार्रवाई की। यातायात पुलिस के जवानों ने बिना नंबरी, बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों के साथ तीन सवारी वाहन चालकों के चालान काटे। यातायात निरीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए। यातायात पुलिस कर्मियों ने बिना हेलमेट के चल रहे दुपहिया वाहन चालकों व रॉन्ग साइड से वाहन चल रहे वाहन चालकों के खिलाफ सबसे ज्यादा चालान काटे। यातायात निरीक्षक विक्रम सिंह का कहना है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यह अभियान शुरू किया गया है और अगले कुछ दिनों तक शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने और यातायात नियमों की पालना को लेकर कार्रवाइयों का दौर जारी रहेगा। यातायात पुलिस के जवानों ने किसान छात्रावास के सामने और अहिंसा सर्किल पर सबसे ज्यादा चालान की कार्रवाई की और यह चालान की कार्रवाई पूरा दिन चलती रही। ज्यादातर तो ये रॉन्ग साइड जाते हैं, इनकी कार्रवाई कर रहे हैं, जो रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए और जाते हैं तो उनके चालान काटते हैं। और बाकी ये हेलमेट है, कागजों की चेकिंग है वगैरह। रोज चलती है क्या सर? अरे रोज चलती है, हमेशा चलती है। अच्छा, ठीक है। चालान काटते हैं, सीज करते क्या करते हैं? बिल्कुल कई कागजात नहीं होते उनको सीज करते हैं और कागजात उनके चालान काटते हैं। यातायात पुलिस के जवानों ने ओवरब्रिज से रॉन्ग साइड से उतरने और चढ़ने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की। अब देखने वाली बात यह है कि यातायात पुलिस का यह अभियान कब तक चलता है और व्यवस्था सुधार में कितना सार्थक साबित होता है।